श्री रामानुज संप्रदायाचार्य स्वामी श्री पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करें। इस देह में क्या क्या है? बोले अस्थि हड्डियां है, रुधिर है, रक्त है, मज्जा आदि है। इसके सिवा है क्या इस देह में? तो इस देह के प्रति जो आपकी मति है, ये मेरा अभिमतिम माने यह मेरा है, ये शरीर मेरे लिए है, इस शरीर का सुख मुझे मिलेगा, ऐसा जो आपने मिथ्या भ्रम पाला है उसको त्याग दीजिए। त्यज माने तुम, त्यज इसको त्याग दीजिए। जाया सुतादि सुसदा ममताम विमुंछ। इस देह से संबंध रखने वाली जो पत्नी है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, उनके प्रति जो आपकी ममता है उसको भी विमुंच। पश्यानिशम जगदिदम। अरे पिताजी, क्या आपको निरंतर अनिशम, निरंतर इस जगत का होने वाला जो क्षय है वो दिखता नहीं है? जो आपने इसमें अपनी मति को लगा रखा है, यह संसार पिताजी कभी एक सा नहीं है और यह संसार कभी किसी का नहीं है। अगर संसार अपना होता तो ये बताओ आप बाहर काहे को जाना, अपने घर में ही देख लेते हैं। घर तो हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी लोगों ने भी बनाया, कई लोगों के घर हैं भी, बताते हमारे दादाजी ने बनाया, दादाजी ने कितनी मेहनत से बनाया, और जब गए तो घर में से क्या लेकर के गए थे? दीवार में से जो पपड़ी झड़ती है वो भी खुरच के लेके गए क्या साथ में अपने? सब यही रहा, जिस देह से इस घर को बनाया वो देह भी यही रह गए। गया केवल क्या, जो जीवन में सुकृत और दुष्कृत किए वही साथ में गए। पिताजी क्षणभंग अनिष्ठम, ये क्षणभंगुर जीवन है, इसलिए इसमें से अपनी निष्ठा को हटा करके, अपने मन को हटा करके, वैराग्य राग के रसिक हो करके भगवान की भक्ति में निष्ठावान हो जाइए। पिताजी भगवान की भक्ति ही अंतिम मार्ग है, इसके सिवा दूसरा कोई संसार में मार्ग नहीं है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, एक जन्म नहीं, हजार, सौ हजार, पांच सौ हजार जन्म बाद भी अंत में भक्ति करनी ही पड़ेगी, तब ये संसार छूटेगा। आज नहीं करो, अगले जन्म में करना पड़ेगा, उसके अगले में करना पड़ेगा। अगर संसार से पार जाना है तो बिना भगवान के भजन से भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए कोई भव सागर को पार कर जाए ये संभव ही नहीं है। हाँ, अब यहीं रहना हो, अनादिकाल से संसार में ही घूसा लात खाते पड़े रहने में ही मजा आ रहा हो तो भैया फिर बात अलग है। लेकिन अगर ये संसार से वैराग्य है, अब ये शरीर जो मिला इसमें जो भोग मिले उतने पर्याप्त हैं, अब तो भगवान ऐसी कृपा करें कि फिर इस भव सागर में आना ना हो। यदि ऐसी निष्ठा है, यदि ऐसा मन में भाव है, तब तो फिर इतना पक्का मानिए बिना भगवान के भजन से ये मिलना असंभव है।